हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक टू माय चैनल। और कैसे हैं आप सब लोग? होप आप सब लोग अच्छे होंगे। और अभी मॉर्निंग के हो रहे हैं 11 o'clock, तो अभी ब्रेकफास्ट वगैरह हम लोग कर चुके थे, उसके बाद में थोड़ा ब्रेक लिया। अभी मैं जा रही हूँ लंच बनाने, और शिवांशी अभी सो रही है, तो मैं सोच रही हूँ जितना हो सकता है उतना मैं बना लेती हूँ। आज सिंपल सा खाना बनाना है मुझे, तो क्योंकि वो सोती है तब तक मैं काम कर लेती हूँ। जगने के बाद में मुझे उसको गोद में उठाना पड़ता है क्योंकि वो रोती रहती है, फिर वो ज़्यादा देर सो के उठने के बाद थोड़ा बच्चों का होता है ना, तो वही उसके साथ भी प्रॉब्लम है। थोड़ी देर बाद वो खेलती है, बट ये है कि अभी परेशान करती है, भी छोटी है वो, तो उसको भी देखना है, प्लस लंच भी बनाना है। तो अभी बड़ी वाली बेटी का चल रहा है ऑनलाइन क्लास, तो वो क्लासेस ज्वाइन कर रही है अभी, उसका 5 मिनट्स का ब्रेक होता है। और हस्बैंड का चल रहा है ऑफिस, तो वो भी बिजी है, तो मुझे ही देखना है उसको। तो मैं जल्दी जल्दी से जितना हो सकता है अपना लंच मतलब प्रिपेयर कर लूँगी, उसके बाद में फिर वो जब वो जग गई, आवाज़ आ गई कि वो जग गई। तो और ये देखिए, मैं सोच रही थी लंच रेडी कर लूँगी और ये जग गई है। अभी मुझे इसको भी देखना है और लंच भी बनाना है, तो थोड़ी देर इसको देखना पड़ेगा, फिर ही मैं बना पाऊँगी लंच। अभी तो 11 बजे हैं, फटाफट बना लूँगी 1 घंटे में। तो आज मैं वही आपके साथ शेयर करने जा रही हूँ, आफ्टरनून टू नाइट रूटीन, और मैं आज लंच में क्या बना रही हूँ। सिंपल सा खाना है और नाइट में भी, तो आपके साथ वही मैं शेयर करूँगी, और आप वही बगल में, और धीरे धीरे थोड़ा थोड़ा कर लूँगी। है ना बाबू, है ना जी। अभी ये जब तक मेरे पास रहेगी खेलती रहेगी, मैं सोचूंगी कि चलो इसको बैठा देती हूँ खिलौने डाल के, और मैं सोचती हूँ कि चलो काम कर लेती हूँ, तब तो ये नहीं खेलती है लड़की, तब तो इसका रोना स्टार्ट हो जाता है। है ना, तो बस चलिए फिर थोड़ी देर में आप लोगों से मिलती हूँ। खड़े हो रहे हो? खड़े हो जाओ, खड़े हो जाओ, खड़े हो जाओ। यहाँ पे मैं सब्जी बनाने जा रही हूँ, तो उसके लिए मैंने तेल कढ़ाई में गरम कर लिया था, और उसमें लहसुन, जीरा और हींग डाल दिया है। अभी इसमें सूखे मसाले डाल दूँगी, उसके बाद में फिर थोड़ा सा पानी डाल के उसको भून लूँगी मसाले को, और फिर मैं इसमें सब्जी डाल दूँगी कटी हुई, और उसके बाद ढक के रख दूँगी, तो फिर ये सब्जी बन के रेडी हो जाएगी हमारी। और मैंने एक तरफ कुकर में ऑलरेडी दाल बना लिया है, और मैंने क्योंकि दाल फुला दी थी 1-2 घंटे पहले, तो दाल जल्दी बन गई, तो बस सब्जी बनने के बाद दाल फ्राई कर लूँगी। और रायते के लिए मैंने लौकी काट ली थी, तो लौकी का रायता बनाऊँगी, तो बस दाल फ्राई करने जा रही हूँ। तो उसके लिए मैंने ऑलरेडी लहसुन, मिर्ची और क्या कहते हैं प्याज और टमाटर वगैरह सारा भून लिया था, अभी मैं इसमें दाल डाल दी हूँ, और ये दाल मेरा हो गया फ्राई, और ऑलरेडी लौकी बॉयल हो चुकी है, तो उसको ग्राइंड कर लूँगी और बन जाएगा रायता, और दही मिक्स करके उसमें फिर जीरा और हींग का तड़का लगा दूँगी। तो बस दाल हो गई रेडी, अब ये है लौकी, इसको अभी मुझे ग्राइंड करना है। अभी मैं आटा गूंथ रही हूँ, और उसके बाद में फिर मैं रोटी बना लूँगी। रायता वायता सब बन चुका है मेरा, तो बस ये हमारा लंच रेडी हो चुका है, अभी जा रहे हैं हम लोग लंच करने, उसके बाद मिलते हैं।
इधर मैंने चाय बना ली है, शाम की चाय, 5 बज गए शाम के, तो चाय रेडी हो गई है और अभी थोड़ा चाय का मज़ा लेते हैं, उसके बाद में फिर सॉरी डिनर की तैयारी शुरू हो जाएगी। बस पूरे दिन काम काम काम, तो पहले चाय पी लेते हैं, हस्बैंड को दे देते हैं, हम भी पी लेते हैं, फिर उसके बाद में डिनर की तैयारी करूँगी मैं। अभी थोड़ा रेस्ट करके फिर करती हूँ, तो चाय पीने के बाद फिर मैं दिखाती हूँ कि क्या बनाने जा रही हूँ मैं आज डिनर में। जा रही हूँ अभी, मैं जाऊँगी इसको दाल को ग्राइंड कर लूँगी और दरदरा पीसना है, और ये मिर्ची और लहसुन डालूँगी उसमें, तो 2-3 हरी मिर्च और 4-5 कली लहसुन के डाल के, और इसमें जीरा डाल दूँगी, इसको ग्राइंड कर लूँगी अच्छे से, फिर उसके बाद में बनाती हूँ दाल के फरे। हमारे यहाँ बोलते हैं यूपी में भकोसा बोलते हैं, बट बहुत जगह इस नमकीन गुजिया बोलते हैं और दाल फरा भी बोलते हैं। और आज मैं अलग तरीके से बनाऊँगी, गुजिया की तरीके से नहीं बनाऊँगी, तो उसके लिए तैयारी शुरू करते हैं। अभी इसको ग्राइंड करने के बाद आटा गूंथना है, फिर उसके बाद बनाना है, तो चलिए मैं इसको अभी ग्राइंड कर लूँ। अभी मैंने दाल को ग्राइंड कर लिया था और अभी इसमें हींग डालेंगे। हींग तो मेन है, चने की दाल है तो हींग डालना तो बनता है, और हींग डालना चाहिए इसमें क्योंकि ये थोड़ा सा हैवी होती है दाल। और फिर डालेंगे इसमें हम, मैंने ग्राइंड करते वक्त भी इसमें जीरा डाला था थोड़ा सा, और थोड़ा सा खड़ा जीरा भी डाल दूंगी, तो उसके बाद में फिर नमक, और बस अब इसको अच्छे से मिला लूंगी मैं। अभी दाल मैंने फेंट ली है, उसके बाद में अभी मुझे आटा लगाना है, तो आटा लगाने के बाद फिर मैं दिखाती हूँ कैसे बनाते हैं इसको। आज मैं हल्का सा आटे में नमक डालूंगी, वैसे पहले मैंने कभी नहीं डाला नमक, बट आज मैं डाल के देखती हूँ कैसा बनता है। तो हल्का सा नमक डालूंगी, उसके बाद में फिर आटा लगा लूंगी। अभी आटा गूंथने के बाद मैं 5 मिनट के लिए रख दूंगी, सेट हो जाएगा आटा, उसके बाद फिर मैं बनाती हूँ। मैं इसमें धनिया डालना भूल गई थी, मैं इसमें धनिया डाल देती हूँ थोड़ा सा। अभी इसको रोटी की तरह बेल लेंगे। और एक तरफ मैंने कढ़ाई में पानी खोलने के लिए रख दिया, ये उबलते हुए पानी में इसको डालेंगे, हम लगा लेंगे ये दाल। और इसको कर देंगे ऐसे फोल्ड, जैसे गट्टा बनाते हैं ना, गट्टे की सब्जी में फोल्ड करते हैं जो बेसन को, तो वैसे बनाने के बाद में फिर इसको डाल देंगे हम बॉइलिंग वाटर में। तो पहले एक साइड बना के रख लेती हूँ मैं ऐसे, और इसको पकने के लिए छोड़ देंगे पानी में, खौलते हुए पानी में 10 मिनट लगेंगे, और फिर इसको कट कर लेंगे, फिर ठंडा करने के बाद इसको फ्राई करेंगे, क्योंकि गरम गरम फ्राई करेंगे ना तो ये कढ़ाई में चिपक जाएंगे, तो इसको कट करके पहले ठंडा कर लेंगे, उसके बाद मसाले में इसको फ्राई करेंगे अच्छे से। मैं दिखाऊंगी आपको कैसे फ्राई करना है इसको। अभी मैं वो फ्राई करने के लिए तेल गरम कर लिया था, उसमें हींग और जीरा डाल दिया था, और अभी खड़े मसाले डाल दूँ, उसमें हल्दी पाउडर है, धनिया पाउडर डालूँगी, मिर्ची पाउडर, गरम मसाला, और उसको अच्छे से भून लूँगी, फिर उसके बाद मैं काट के मैंने रख लिया था ऑलरेडी उसे पीसेस में, तो उसको फ्राई कर लूँगी। फिर आप उसको काटने के बाद, ठंडा होने के बाद ही आप उसको फ्राई करिएगा, वरना वो कढ़ाई में लग जाता है,
तो बस उसका मसाला भून लूँगी और फिर मैं उसको डाल के फ्राई कर दूँगी। तो गाइज ये हमारा डिनर रेडी हो गया है और आज का डिनर यही है और अभी मैं चाय बनाऊंगी उसके साथ ये सर्व करूंगी और यसी का सॉस बन ही चुका है तो यसी सॉस के साथ खाएंगी। मस्त झकास है। ये मैं बहुत दिन से सोच रही थी बनाने के लिए, भूल जाती थी दाल फुलाने भूल जाती थी मैं, तो फिर आज मैंने ध्यान करके दाल फुलाई मॉर्निंग में और अभी मैंने रेडी कर दिया है और अभी हम लोग चाय बनाने के बाद सर्व करेंगे और आज का बस यही है हमारा डिनर। तो होप गाइस कि आज का ब्लॉग आप लोगों को अच्छा लगा हो और अगर थोड़ा सा भी अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक करें, कमेंट करें और शेयर करें और सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को। और आज का बस यही ब्लॉग था मेरा छोटा सा, जो कि मैंने आफ्टरनून टू नाइट रूटीन शेयर किया आप लोगों के साथ में। ये ऐसी ने मेरा आज काफ़ी हेल्प किया है अभी, और वो मतलब के लिए हेल्प किया है इसने क्योंकि आज है फ्राइडे नाइट और इनको करनी है ढेर सारी बातें, मम्मा पापा से लूडो खेलना है इनको हम लोगों के साथ क्योंकि ये हार जाती हैं I was the first one last Saturday. तो इनको बहुत हारने का शौक है मुझसे तो आज लूडो खेलेंगी है इसलिए मेरी जल्दी जल्दी हेल्प की इन्होंने। और ज़्यादा कुछ ऐसा कुछ मैंने बनाया भी नहीं था जो कि, लेकिन बर्तन तो बहुत सारे थे तो इस वजह से जल्दी काम फिनिश हो गया। और हस्बैंड का मैच चल रहा है तो मैच देख रहे हैं वो। और अभी क्या कहते हैं, बस हम लोग बैठे हैं उनका वेट कर रहे हैं, अब देखो वो कब आते हैं, फिर हम लोग लूडो खेलते हैं, बातें करते हैं, कुछ कुछ अच्छा लगता है। फ्राइडे नाइट को अच्छा लगता है, एक अलग सा एक्साइटमेंट रहता है कि कल सैटरडे आएगा फिर संडे आएगा तो फिर मंडे रिलैक्स मिलेगा। और सबसे रिलैक्स मुझे मिलता है शिवांशी को देखने वाला कोई दो दिन रहता है, उसके पापा बहुत उसको देख मतलब संभाल लेते हैं उसको सारा कुछ, वो फिर दो दिन उसका करते हैं नहलाना धुलाना और कपड़े पहनाना हर चीज़। और मंडे टू फ्राइडे मेरा रहता है पूरा पूरा होल डे, और क्योंकि उनका भी ऑफिस रहता है तो संभाल नहीं सकते उसको, तो यही है फिर। और अभी तो बहुत देखना पड़ता है क्योंकि वो बहुत शैतान है, यसी मेरी सीधी थी बट वो बहुत शैतान है, होता है बोलते हैं लोग कि दो बच्चे होते तो एक सीधा होता है एक थोड़ा सा शैतान होता है, तो वो मेरी बहुत शैतान बच्ची है और तो यसी को मैं जहाँ बैठाती थी वो यसी वहीं बैठी रहती थी, बट उसको जहाँ बैठा हुआ वहाँ बैठती नहीं है। और अभी चलना सीख रही तो और ज़्यादा ध्यान देना पड़ता है, कहीं भी भाग जाती है कुछ भी पकड़ के खड़ी हो जाती है तो इस वजह से ध्यान देना पड़ता है। और ये एक दो साल का होता है ना, आपको बच्चों को ध्यान देना पड़ता है फिर तो समझदार हो जाते हैं। तो यही था, और कैसा लगा आपको ब्लॉग बताइएगा जरूर कमेंट करके। हम भी सैटरडे एंजॉय करिए और हम लोग भी एंजॉय करने जा रहे हैं अभी फ्राइडे नाइट। फ्राइडे नाइट है पार्टी नाइट। पार्टी नाइट तो नहीं पर पार्टी तो नहीं हो सकता, थोड़ा सा तो रिलैक्स मिलता है और थोड़ा सा फैमिली के साथ समय स्पेंड करने का भी मौका मिलता है। तो चलिए फिर नए ब्लॉग के साथ मिलती हूँ आपको, और तब तक के लिए बाय एवरीवन, गुड नाइट।